वेलकम बैक। बाजार में आज शानदार रिकवरी दिख रही है, लेकिन क्या इस पर भरोसा किया जाए और यहाँ से अब निवेशकों को आगे क्या करना है, इन पर बातचीत करने के लिए बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ जुड़े हैं मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। मेहरबून जी, बताइए क्या एक साइन दिखे आज के मार्केट से कि शायद एक जो करेक्शन आई वो अब ख़त्म हो रही है, या फिर इट्स टू सून टू से दैट? अनुज जी, अगर मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस से बात करूं तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मार्केट ऑलवेज डज एक्सेसेस ऑन द अपसाइड एंड आल्सो ऑन द डाउनसाइड। अभी प्रेडिक्ट करना कि यहां से, अगर आप मुझे पूछो प्रेडिक्ट करना, मैं कहूंगा कि यहां से कल के लो से या आज के लो से मार्केट और 3-3.5% और जा सकता है। निफ्टी और स्मॉल कैप शायद 6-7% और लुढ़क सकता है। प्रॉब्लम ये है कि पैसे बनाने का जो इजी तरीका था लोगों के पास, वो साइड में हो गया है, जो हम लोग लास्ट 3-4 हफ्ते से कहते आ रहे हैं। जो बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो भले निफ्टी 1500 पर नीचे आ गया ऊपर से, दे आर हायर देन व्हाट दे वर। इनका मतलब ये हो रहा है कि मार्केट में स्टॉक सिलेक्शन हैज बिकम एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ये कहना कि अल्टीमेटली निफ्टी 23,000 के पास सेटल हो जाएगा या स्मॉल कैप इंडेक्स 7% जाएगा, लेकिन ये जो प्रोसेस होता है जहां पूरा डाउनसाइड हुआ, इसमें काफी सारे अपॉर्चुनिटी उभर कर आए। मैं अभी ऑन द स्पॉट आपको 10-15-20 स्टॉक ऐसे दूंगा जो लार्ज मिड कैप्स है, विच आर पॉसिबली रोलिंग एट द ऑल टाइम हाइज। सो मार्केट हमेशा आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते जाता है। हम लोग ब्लिंकर्स पहनते हैं, ये देखते हैं कि और कितना घटेगा और कितना घटेगा, और इसमें जो अपॉर्चुनिटी सामने आती है वो आके चले जाती है, एंड अल्टीमेटली वी एंड अप बाइंग द स्टॉक्स एट द हायर प्राइसेस देन व्हाट द मार्केट प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी। ये हमेशा होते आ रहा है, ये बार भी हुआ है और होगा। द पॉइंट इज कॉर्पोरेट रिजल्ट्स इज द सोल फैक्टर जिसके लिए मार्केट कटा हुआ है। कहना कि चाइना का स्टिमुलस, कहना के यूएस इलेक्शन, कहना के फेड, कहना के अल्टीमेटली ट्रंप जीतेगा तो यूक्रेन का वॉर खत्म हो सकता है, डॉलर थोड़ा स्लिप हो जाएगा, ऑयल का भाव थोड़ा घटेगा, अगर हैरिस आएगी, ए ऑल दिस आर थिंग्स विच आर मैटर ऑफ कंजेक्शन। तो हम लोग वी आर ट्राइंग टू प्री एम्प्ट वॉट इज गोइंग टू हैपन। द मेन प्रॉब्लम इज कॉर्पोरेट अर्निंग्स, एंड मार्केट हैड अ रीजन टू करेक्ट एंड मार्केट हैज करेक्टेड। रही बात FII की सेलिंग की, भले उसने पैसा चाइना में डाला, इट इज अ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, इट्स कॉल्ड, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? सो समवेयर मार्केट हैड बिकम एक्सपेंसिव, हम लोग अंधे हो गए थे। जब ये मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है तो फिर से हम लोग अल्टीमेटली सेंटीमेंट इतना खराब हो जाता है कि वी डोंट लुक एट अपॉर्चुनिटीज। आई पर्सनली बिलीव अपॉर्चुनिटीज हैव कम, क्लियर डिस्क्लोजर, आई हैव बॉट सर्टेन स्टॉक्स इन द मार्केट टुडे। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि मार्केट इज बॉटम्ड आउट। There are a whole lot of stocks which are still extremely expensive, जिसमें pain आना बाकी है, but there are opportunities in the market which I believe people should be looking at and buying into. Selective buying with a lot of understanding of the companies and ultimately knowing that जो भी मैं खरीदता हूँ can fall another 3-5% more, but ultimately will provide me a much higher upside after the correction with the market has seen. I think that is where the opportunity is there in the market today. ओके अच्छा मेहरबून जी, मतलब ये 3-4 दिन के, पहले तो नमस्कार सर, वीरेंद्र बोल रहा हूँ ये 3-4 दिन के काफ़ी बड़े उलट फेर में, क्रैक में 23,800 का हमने कल ऑलमोस्ट दर्शन किया, बट PSU बैंक्स जो कि हिस्टोरिकली आपका एक कन्विक्शन जोन रहा भी है, PSU बैंक्स, इनका बिहेवियर ऑल टुगेदर डिफरेंट है, और SBI ने तो मेरे ख्याल से 1% पार्टिसिपेट नहीं किया। ये क्या दिखा रहा है आपको, स्पेशली द काइंड ऑफ नंबर्स वी हैव सीन फ्रॉम BOB बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स के बाद, आपका टेक PSU बैंक्स पे? वीरेंद्र, ऑनेस्टली आई थिंक आई डोंट थिंक देयर इज एनी बिग ग्रे मैटर या इंटेलिजेंस नीडेड ये कहना कि प्राइवेट सेक्टर फ्रंटलाइन बैंक्स लाइक HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस, कोटक आर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म। आई थिंक एवरीबॉडी नोस इट। द पॉइंट इज हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मार्केट जहाँ पे FIIs बेच रहा है और उनकी जो मार्केट कैप है HDFC बैंक की या ICICI बैंक की, अगर उनको यहाँ से 10-15% बढ़ना हो तो देर हैज टू बी अ लॉट ऑफ मनी वी शुड गो इन टू दिस स्टॉक्स, जो अभी के लिए ऑनेस्टली रिटेल इन्वेस्टर्स कांट डू दैट। ऑन द अदर हैंड जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थी, आई थिंक द वे दे हैड करेक्टेड और फॉरन आई वुड से फ्रॉम देयर हाइज, आई थिंक समवेयर दे केम क्लोज टू द बुक वैल्यू।
इफ यू अंडरस्टैंड दैट द आरबीआई हैज बीन वेरी प्रोएक्टिव विद थिंग्स, हमें बिलीफ है कि कहीं पर जनवरी फरवरी में एक इंटरेस्ट रेट कट भी आ सकता है, अल्टीमेटली क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो विच वॉज देयर द वर्स्ट पॉसिबली कुड बी ओवर ऑल्सो. सो आई समवेयर फील दैट PSU banks provided an opportunity, जो हम लोग ने एक दो पहले हफ्ते पहले बात की थी. और इतना सारा फॉल के बाद obviously whenever there is a bounce, the bounce could be as high as 5, 10, 15, 20% जो PSU banks अभी provide कर रहा है. Bank of Baroda देख लीजिए आप, Bank of India देख लीजिए, State Bank of India देख लीजिए. आई थिंक ऑल द स्टॉक्स प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज काफी 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 सडनली सस्ते हो गए थे. सो ओनली फ्रॉम दैट एंगल आई हैड फाउंड PSU banks space as a better relative better bet as compared to private sector banks. I am not against private sector banks, I am holding some of them, but to make them go up will require a lot of money to go into these stocks. To abhi ke liye honestly the supply is more than the demand as far as this type of stocks go. ओके, मीन वाइल बैंक निफ्टी अब 1000 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर, और जो बात मैं और वीरू डिस्कस कर रहे थे कि 52200 शायद आज ही हिट कर ले अगर बैंक निफ्टी, तो सरप्राइज नहीं होना चाहिए. उस तरीके का मूव आ रहा था यहाँ पर. इसको रिफ्रेश करिए, हाई तो अब 52262 हो गया जो अभी करंट हाई है. वो कुछ दिक्कत है हमारे चार्ट में, लेकिन खैर एनी वे. मेहरबून जी, मेटल्स में क्या व्यू बन रहा है अब यहाँ पर, क्या स्टॉक्स लेंगे? आई थिंक चाइना स्टिमुलस की जो बात थी, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि चाइना को स्टिमुलस लाना जरूरी था. एंड एज आई सेड अर्लियर, इट इज गुड फॉर अस एज वेल एज द एंटायर वर्ल्ड बिकॉज एसेट prices remain protected, downside nahi hai, because if China goes down under, the whole world is in trouble. But the stimulus ultimately attracted money from FIIs. Now coming to China stimulus, will it have a positive impact on metals and metal prices? Answer is yes, over a longer time. But sentiment wise, this is a positive purely from the trading angle. Metals bhi hum understand karna chahiye, Tata Steel dekh lijiye, SAIL dekh lijiye. I think I am not a gungo about them, neither fundamentally I'll speak anything positive. Main kahunga ki the way this prices have come down, a quick trade can also give you 5, 10, 15%. That's the only way I would put it, and that is my view on metals right now. Not in a great hurry, but jo companies jiske paas khud ke mines hai, I think I am super gungo positive over the longer term on them, not the metal users like Tata Steel. Let me put it very simple. Because उसके लिए the global outlook has to improve considerably. But yes, metals at the moment are providing an opportunity purely from a trading angle. And some of them like maybe a Hindalco, maybe a Vedanta, maybe a Hindustan Zinc, because they have their own mines, this could be great long-term bets also. अच्छा मेहरबून जी, आपका तजुर्बा क्या कहता है, मतलब फार्मा स्टॉक्स को लेकर? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो हैं यूएस से अपना कारोबार लेके आती हैं, ये अमेरिका का चुनाव राष्ट्रपति पद का लाइकली टू बी वो कंपनियां जिनका सब्सटेंशियल जो रेवेन्यू है वो यूएस से आता है, जिसको हम उन्हीं के कारण तवज्जो देते हैं. आप फार्मा को कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि प्राइस डैमेज इस बार फार्मा में भी हुआ है? फार्मा में आपके चुनिंदा स्टॉक्स क्या हैं इस वक्त? मैं कहूंगा कि फार्मा में बेसिकली मेरा व्यू सेम है कि आई थिंक 2 हफ्ते पहले भी आई थिंक आप ही ने या अनुज जी ने सवाल पूछा था, मैंने कहा था कि आई गॉट नथिंग अगेंस्ट फार्मा, बट ओनली प्रॉब्लम वॉज द वैल्यूएशन. आप मुझे बताइए, आप आइडेंटिफाई कर दीजिए 5-10 स्टॉक जिसकी पी रेशियो इज लेस देन 25 इन द फार्मा बैंक. अगर 30-35 का पी ओ, वाई शुड आई गो एंड बाय देम इन अ हरी व्हेन द ओवरऑल सिनेरियो इट्स नॉट लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव. दैट वॉज द ओनली रिजर्वेशन आई हैड ऑन फार्मा. बट I would say that downside is limited in most of them. But paisa banana is not going to be easy in the pharma pack. Agar ispe mujhe aap poochho kya mujhe pasand hai, main kahunga there are names like an FDC, there are names like a Caplin Point Laboratories, where I have been positive personally holding those stocks, and I have been positive on them. So one has to remain, even in some of the small caps and mid cap pharma companies, a name like a Copran, which announced excellent results over the last 2 quarters. I think if you have 1 or 2 more quarters, good quarters, the stock could be even 20-25% higher. Again, disclosure, I'm holding those stocks. So, yes, pharma may selectively there could be an opportunity, but on the whole, if you ask me on an average basis, most of these pharma stocks otherwise look a little bit expensive to me. Chemicals mein ab kya bhi ban raha hai Mehrbun ji, aur koi stocks agar aapne yahan liye hain is fall mein to? अगर आप मुझे पूछे तो, अगर आप सेक्टर मुझे पूछते तो मैं कहता स्पेशलिटी केमिकल्स सिलेक्टिवली. आई लाइक केमिकल्स, आई लाइक एक्वाकल्चर, आई लाइक टू सम एक्सटेंट आईटी. आई थिंक केमिकल्स में आई थिंक द मेन स्टॉक विच आई लाइक
You may call it a fertilizers, but I like Deepak fertilizers. I think that's an excellent stock to buy into. 52 week high ke aaspaas hai, aur ye wahi main keh raha tha, which is my point which I'm trying to state. The entire market fall, the stock has not fallen. So there are quite a few stocks of those types, and even at the present level, I think if all goes well, the developments ho rahe company mein, where the company is clearly disclosed, I think over the next 1 year, this could even be a 2000 rupees stock. So chemicals, selectively, I like some of them. In pesticides, agrochemicals, I like names like a Bharat Rasayan. I think they're going dirt cheap, if you ask me. So public andhi ho gayi hai when the market falls. People just don't want to buy anything. 2 months pehle, situation something different. And when the stocks have come down, when the opportunities is there, we just don't want to look at them. So these are the type of stocks where I believe money can be made. I give the names of some of them. But this is the space on the whole, mujhe pasand hai. अच्छा मेहरबून जी, वो लोग जो कि हमारे व्यूअर्स जोमेटो को 50 या 60 70 रुपए में लेके बैठे हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी सब्सटेंशियल जर्नी देखी टूवर्ड्स 300. स्विगी को आपने कैसे रीड किया है? जो प्राइसिंग है, जो उनका CCPS था, उससे कहीं अच्छी प्राइसिंग है. मतलब वो CCPS तो काफ़ी ऊपर चला गया था. आप स्विगी के IPO कैसे रीड कर पा रहे हैं? और अमूमन जब किसी क्षेत्र का IPO आता है तो जो बाकी लिस्टेड कंपनियां, उनमें एक बड़ा मूव आना शुरू हो जाता है. क्या जोमेटो भी उसके लिए प्रिपेयर्ड है या नहीं है? इस स्पेस पर आपका टेक इस वक्त? होपिंग आप मुझे सवाल नहीं पूछेंगे, बिकॉज बड़े IPO आ रहा था, आप पूछ रहे हो. तो आई वुड से दैट हैंड ऑन हार्ट, आई थिंक ये वैल्यूएशन डिफेंड करना बहुत डिफिकल्ट है. बट यही चीज़ मैंने शायद आई एडमिट कर रहा हूँ जोमेटो के बारे में भी एक ज़माने में कहा था. आज मेरे पास जोमेटो के शेयर्स है. आई बॉट एट अ हायर लेवल देन व्हाट इट वाज अवेलेबल एट 1.5 ईयर अगो. तो स्विगी ऑल्सो आई थिंक बिजनेस वाइज अलॉन्ग विद जोमेटो विल डू वेल. एंड मैं वो इरा का आदमी हूँ 2000 के आसपास का, जहाँ पे मैंने एक कंपनी देखी थी पैंटलून रिटेल, जो लॉस मेकिंग कंपनी थी. जब ये रिकमेंड किया था 50 का भाव 3000 हो गया था, लेकिन कंपनी लॉस करती थी. तो ये जमाना ऐसा है कि वेर यू नीड टू पॉसिबली अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज नॉट इन द PNL अकाउंट, इट इज ऑल्सो इन द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. अगर ग्रोथ ऑफ बिजनेस में आप मानते हो जोमेटो एंड स्विगी की, तो अल्टीमेटली दे मे पॉसिबली एंड अप टर्निंग विनर्स. तो बैलेंस शीट देखे या बाकी का सारा चीज देखे, तो आप अपने आप को पूछोगे आप क्या बोल रहे हो. तो येस, फंडामेंटली इट बीट्स मी टू रिकमेंड देम, बट समवेयर आई बिलीव the conviction part is saying that as businesses they will keep on growing and you may see a higher valuation and the market cap improving over a period of time. चलिए मेहरबून जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए. और वाकई थोड़ी सी मुश्किल घड़ी है, लेकिन जब एक थोड़ा सा और बाजार कहीं स्टेबल होगा तो एक और अच्छी मंत्रणा में आपसे जुड़ेंगे और एक क्लियर सेंस लेने की कोशिश करेंगे कि आपने क्या क्या जोड़ा, क्या क्या ऐड किया इन प्राइसेस पे. बहुत बहुत शुक्रिया इसका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. अनुज, एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग का दिन.